नमस्कार, आप देख रहे हैं दादास्तक 24। भाजपा प्रवक्ता जीबीएल नरसिम्हा राव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त जूता फेंका गया। जब राव कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, उसी समय किसी ने उन पर जूता से हमला बोल दिया। वीडियो में जूता उनके मुंह को रगड़कर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जूता कांड की घटना के बाद बीजेपी प्रवक्ता नरसिम्हा राव ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। इस घटना पर बीजेपी प्रवक्ता कोहली ने कहा कि जिस भी शख्स ने यह किया और अगर किसी के कहने पर किया है तो यह बेहद दुखद है। यह अमर्यादित आचरण है और लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि यह बेहद दुखद और निंदनीय है। दस्तक 24 भी इस जूता मारकांड की निंदा करता है। लेकिन एक बात और है कि जूता मारने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है। अभी कुछ सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इससे नहीं बच सके और इसी लोकसभा चुनाव में यह दूसरी घटना है। पहली घटना उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक राकेश बघेल को जूते से मारा। त्रिपाठी जी ने 5 सेकेंड में 7 जूते मारे। बात आरोप प्रत्यारोप तक ठीक है, लेकिन यह जूताबाजी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जूता फेंकने वाले व्यक्ति से मिले आईडी कार्ड के मुताबिक ये शख्स कानपुर का रहने वाला है। नाम बताया जा रहा है शक्ति भार्गव। आपको बता दूं कि शक्ति भार्गव कानपुर के बड़े परिवार से आता है। पढ़ाई लिखाई से डॉक्टर है, साथ ही कानपुर में इनका रियल इस्टेट का भी काम है। लेकिन घटना के बाद जब शक्ति के परिवार से संपर्क किया गया तो परिवार का कहना है कि शक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। शक्ति को 2 साल पहले ही बेदखल कर दिया गया था। शक्ति भार्गव पर इनकम टैक्स की जांच चल रही है। नवंबर 2018 के आखिरी हफ्ते में इसके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आप देख रहे थे दादास्तक 24। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।